यो 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 वेलकम बैक टू अगेन ब्रांड न्यू वीडियो एजी फैमिली। आज का हमारा मैच होने वाला सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर इन समर स्लैम अपने ट्रिपल मेन इवेंट की #2। ठीक है, ट्रिपल मेन इवेंट मैच के #2 होने वाला है। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर फटाफट से लगाते भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सेथ की समर स्लैम में करेंगे। देखते हैं कौन बनेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बिना ना देरी करे हुए समर स्लैम में अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच लगा दिया भाई। सेकेंड मेन इवेंट होने वाला समर स्लैम 2023 का। एंड भाई फटाफट से आप लोग भी लाइक मार दो, अगर इस मैच के लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। जो जो नया है चैनल पे एके गेमिंग को फटाफट से सब्सक्राइब करो ऐसे ऐसे ऑसम गेम प्लेस देखने के लिए। लो जी हो चुका है मैच अपना यहाँ से स्टार्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस। देखते हैं गाइस कौन जीतेगा। दोनों ही खतरू प्लेयर हैं यार, दोनों ही खतरू प्लेयर हैं। आते ही फिन बैलर की तरफ से भाई क्लोज लाइन पड़ी। ओके फिन बैलर शायद ज़्यादा मौका भी नहीं देगा भाई सेथ को मारने का, क्योंकि भाई बहुत बहुत फास्ट खेलता है भाई, गेम के अंदर बहुत फास्ट मूव्स परफॉर्म करता है एंड बहुत फास्ट तरीके से मारता है। देख रहे हो अभी भी बिल्कुल मौका नहीं दे रहा यार सेथ को उठने का फिन बैलर। क्या बैलर यहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन पाएंगे या सेथ अपना टाइटल रिटेन करेंगे, वो तो अभी कुछ मिनट में ही पता लग जाएगा हमें। सेथ की तरफ से स्टैंडिंग स्टॉम्प भाई, स्टॉम्प लगा दिया इधर, फिनिशर पहला अपना लगा दिया है। लेकिन भाई फिन बैलर ने अपना कर्तव्य दिखा दिया इधर, रैंडी ऑर्टन की याद दिला दी यार, ये तो देखा के मेरे को भाई इमोशनल कर दिया यार फिन बैलर ने मेरे को आते ही। ओके सुसाइड डाइव भाई फिन बैलर की तरफ से एक नंबर भाई। बैलर बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा यार सेथ को, देखो रेड जोन में पहुंचा दिया यार सेथ को, रेड जोन में पहुंचा दिया भाई। फटाफट से अंदर ले जाओ, 5 काउंट है भाई इसके अंदर। नॉर्मल मैच है अपना चैंपियनशिप का, ठीक है। ओके सुपर किक कनेक्ट नहीं हुई यार सेथ के साथ, बहुत गलत हो रहा है। सेथ का एक भी मूव अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा, सेथ इधर रिवर्स करना पड़ेगा भाई, वापस अपना वही स्पीड में आना पड़ेगा, क्योंकि बैलर की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल डोमिनेंट दिख रही है इधर। बैलर बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाह रहा सेथ को कि वो सेथ खड़ा हो मारे भाई। बैलर भाई जा रहा है, वो फिनिशर के लिए जा रहा है बैलर। गाइस स्टॉम्प लगा दिया बैलर ने इधर भाई, रिवर्स करो, रिवर्स कर दिया भाई अपना फिनिशर अपने ऊपर, कैसे लगने देगा यार अपना सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है भाई, वो अपना फिनिशर अपने ऊपर कैसे लगने देगा। स्टील चेयर लेके आ रहे हैं सेथ, स्टील चेयर से कुछ कर्तव्य करेंगे क्या, लगा दो हेड के ऊपर स्टील चेयर। वाह भाई सेथ को अब मारने का मौका मिला, अब भाई सेथ दिखाएगा अपने कर्तव्य। सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस लेट्स डू इट, अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भाई अच्छे से पुंगी बजाओ सेथ की। ओके क्या रिवर्स करा भाई, एक नंबर भाई। जब तक इनकी तरफ से कुछ बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। अभी तो बस चल रहा है, ड्रॉप किक मार दी भाई इधर, कम ऑन सेथ। अरे ये एकदम से कैसे उठ गया बैलर, वो भाई 1916 लगा दिया। मैं यही कह रहा था जब मैच एकदम से स्पीड पकड़ता है ना जब आता है भाई मजा। फिनिशर लगा दिया भाई 1916 इधर, आई थिंक मूव 1916 ही है, मुझे याद भी नहीं है भाई, ट्रोल हो गया इधर। अगर मेरे से गलती हो तो भाई कमेंट सेक्शन में एजी फैमिली करेक्ट कर देना, मेरे हिसाब से शायद 1916 ही है मूव का नाम, फिनिशर का नाम। ओके भाई सेथ को कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे तो सेथ हार जाएगा यार। बैलर बहुत बजा रहा है सेथ को, अच्छी तरीके से बजा रहा है भाई तबला बैलर भाई, कूड़े ग्रास के लिए जा रहा है बैलर भाई। कनेक्ट हो सकता है और रिवर्स कर दिया कम ऑन सेथ, फिनिशर कुछ मारो। सेथ की तरफ से एक बार और स्टॉम्प देने की कोशिश, क्या ये वाला कनेक्ट हो पाएगा भाई, ये भी कनेक्ट नहीं हुआ यार, सेकंड टाइम रिवर्स कर दिया भाई। रैंडी ऑर्टन की याद दिला रहे हैं, तो तीन बार बॉच हुआ है भाई स्टॉम्प में, तीन बार आर क्यों लगा है। ओ बॉडी स्प्लैश बाय फिन बैलर, फिन वैसे इधर वो भी लगा सकते थे फिनिशर, पर पता नहीं उन्होंने कनेक्ट क्यों नहीं करा। स्टील चेयर से पिटाई हो गई है भाई सेथ की, लो ये देख रहे हो कैसे स्टाइल मार रहा है बैलर। ओके कम ऑन सेथ, रेवोल्यूशन नहीं देखने को बनता है एक बारी सेथ की तरफ से। अरे ये क्या मारा भाई, ये क्या मारा है, अरे कोडी कटर कहां से आ गया सेथ रॉलिंस के पास, ये क्या सिस्टम है भाई, ये क्या सिस्टम है भाई, कोडी कटर कहां से लगा दिया। बैलर गया स्टील स्टेप्स के ऊपर पेडिग्री। ओ भाई यार ये चीज गलत है यार, ये चीज गलत है पेडिग्री वाले बंदों के साथ यार, लेट जाते हैं वो। कवर की कोशिश, क्या ये सिग्नेचर लगाया था मैंने, वो भी नहीं देखा भाई। 1-2 एंड किक आउट हो चुका है इधर, चलो आई थिंक ये नॉर्मल ही था, क्योंकि सिग्नेचर लगाया होता तो बहुत ज़्यादा हेल्थ जाती, फिनिशर पर तो और ही ज़्यादा चली जाती भाई। ओ भाई इस ये मैच नॉर्मल है, लेकिन ये बंदे एक्सट्रीम लेवल पे खेल रहे हैं, जैसे देख रहे हो मैच मैंने नॉर्मल लगाया लेकिन बना ऐसे एक्सट्रीम रूल्स रहे हैं, स्टील चेयर बैम्बू स्टिक जो मिल रहा है सब चल रहा है। लेकिन दूसरी बार सुसाइड डाइव कनेक्ट कर दी इधर बैलर ने, सेथ भी अपने सुसाइड डाइव मास्टर है, लेकिन सेथ लगा नहीं रहे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा भाई सेथ को लगाने का।
लेकिन परफॉर्मेंस भाई फिन बैलर की ज्यादा ओपी लग रही है। मेरे को लग रहा है वो चैंपियनशिप इस बार जीत जाएगा। ये थर्ड टाइम है भाई इनका। लो भाई स्टॉम्प अगेन। ओ भाई ये वाला कनेक्ट हो चुका है। गाइज गाइज इधर कुछ भी हो सकता है, अब इधर गेम पलट सकता है। गेम चेंजर मूव था ये। 1-2 एंड रेजिलियंस यूज हो चुका है एंड अब फिन बैलर खतरे के जोन में आ चुके हैं भाई। लो भाई अगेन अगेन स्टॉम्प। ये वाला भी कनेक्ट है गाइज। गया गया बैलर गया। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रिटेन करने वाले अपना इधर चैंपियनशिप। 1-2 एंड 3 भाई अपने विनर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड स्टिल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ बाबा इधर जीत चुके हैं हमारे। तो एजी फैमिली भाई सेथ बाबा के लिए एक लाइक बनती है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली अपनी इसी के साथ समर स्लैम के अंदर। ओके सो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में प्रिडिक्शन बताना अपनी कि फिन और सेथ के मैच में कौन जीतेगा, कौन बनेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, क्या सेथ रिटेन करेंगे, सेथ हार भी सकते हैं। अभी के लिए ये गेम प्ले यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक मार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।